गुड इवनिंग एवरीवन। हाय अमृतन सिंह, कैसे हो? आई होप काफी अच्छे होगे, क्योंकि भाई मैं इतने लंबे हफ्ते के बाद, कल संडे है, थोड़ा चिल मारूंगा। और थैंक यू सो मच भाई मेरी मम्मी को विश करने के लिए, जिनने किया उनको मैसेज वैसेज आज। तो मेरी मम्मी की तरफ से आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। आपका जॉब निकले, एग्जाम निकले, क्रैक हो, बस ऐसी मेरी मम्मी दुआएं आपको आशीर्वाद देती है। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ मम्मी की तरफ से, ठीक है। सेकेंड टाइम कान में हेडफोन लगा लेना भाई, बाकी आप समझदार हो, बाकी रिस्क अपनी तरफ पे है, मेरी तरफ से नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मैथ्स के सेक्शन को किस तरीके से मतलब फोड़ा जाए। देखो यार, सिंपल सी बात बताओ, इस समय ज्यादा टाइम पड़ा नहीं है, 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में भाई अगर किसी का स्कोर 15-16 आ रहा है और उसको 27-28 करना है ना, तो ये प्रैक्टिकल स्कोर है। कोई मैं बोलूंगा भाई मेरे को 20 दिन में 16 का 38 लाख के दे, तो मैं बोलूंगा भाई जय श्री राम, तू किसी और से पढ़ ले या किसी और का सुन ले वीडियो। अब पहले बता रहा हूं भाई, जेन्युइन और लॉजिकल बातें करूंगा, वही बातें करूंगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो मैं खुद कर चुका हूं इस तरह। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो का पता होना चाहिए कि यदि इसको पढ़ के जाते हैं और प्रैक्टिस तगड़ी करते तो एक अलग लेवल फाड़ के करते हैं, तो वो लेवल पे आप पेल सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कम से कम रोज के 20 क्वेश्चन इस समय रॉन्ग, 20 मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन अटेम्प्ट रोज की प्रैक्टिस। उसके अलावा मॉक टेस्ट के अलग रोज के 2 मॉक टेस्ट लगानी है, तो उसमें भी मिसिंग या रॉन्ग में से आएगा ही आएगा। तो लगभग आपके 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज की हो रही है। उसके बाद कम से कम 5 सेट, मतलब 25 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट, मतलब 5 सेट ये प्रैक्टिस के। मॉक टेस्ट दोगे 2 तो उसमें आपको 3-3 मतलब 6 मतलब 30, मतलब उसके भी 55 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने मिलने वाले। उसके बाद 15 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के। मॉक टेस्ट में अगर आ गए तो उसको भी अटेम्प्ट करना, मतलब उसके 5 मतलब 20 क्वेश्चन तो उसके ही हो गए। उसके बाद अप्रोक्स के 30 क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन के 30 क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में कंफर्म आएंगे, 6 से 7 पीओ में, क्लरिकल में 10 से 12, तो लगभग कितने हो गए, 70-80 के आसपास। ये अगर रोज की प्रैक्टिस करी तो भाई आप अरिथमेटिक भी छोड़ दो, आप एनी टाइम 28 प्लस लेके आ सकते हो 18 से 20 मिनट के अंदर। प्रैक्टिकल बात बताया हूं, फॉलो किया हो इसलिए बताता हूं। अब प्रैक्टिस कहां से करना, एक तो मॉक टेस्ट है जो आप कैसे वो लगाओ, दूसरा गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स। भाई अब बहुत लोग बोलेंगे भाई तू प्रमोशन कर रहा, भाई देखो प्रमोशन में उस चीज की करता हूं जो मुझे सही लगती है, मैं यूज कर रहा हूं तो मैं उसकी बात करूंगा ही ना भाई, सीधी बात है भाई, मुझे वो सही लगता है इसलिए मैं बता रहा हूं, इसमें प्रमोशन की कोई बात ही नहीं आती है। नहीं खरीदना मत खरीदो, उनका फ्री पीडीएफ कोर्स है उसको ले लो, उसको पढ़ो, उससे पढ़ो। मेन है पर्पस पढ़ना, प्रैक्टिस करना और एग्जाम को क्रैक करना। अब साला वो तुम पेड कोर्स लेके पढ़ो या फ्री कोर्स लेके पढ़ो, चॉइस तुम्हारी है। मेरे को भाई गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स काफी सही लगता है इसलिए बता रहा हूं, उसकी लिंक भी डाल दूंगा। क्यों सही लगता है, बहुत सारे रीजन है। एक पहला ये कि उसमें आपको रोज का मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स मिलता। दूसरा, उसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन है हर आंसर के, कोई अगर अटक रहे हो तो क्यों अटक रहे, आपका दिमाग लगा के थक चुके तो आपको पता चल जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें वीडियो कोर्स है इंग्लिश का। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें प्रीवियस ईयर्स के सारे जो भी बंडल कोर्स हो गए वो भी है, लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट, लास्ट ईयर के मेमोरियस पेपर्स, उसके अलावा ये साल की मॉक टेस्ट भी है। आई गेस प्राइस भी ज्यादा नहीं है, अभी उनने और ऑफर रखा हुआ है तो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भाई इतना अच्छा बंडल पीडीएफ कोर्स नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। लास्ट में एक चीज बोलूंगा, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है, बताना क्या करना, क्या प्रैक्टिस करना, वो मेरे पास है, मैंने आपको बता चुका हूं। अब प्रैक्टिस आपकी बारी है, नहीं करना आपकी चॉइस है, जॉब लेना है या नहीं वो आपकी चॉइस है, सिंपल एज दैट।
ये साल लास्ट ईयर है, इसके बाद एनआरए सीईटी भी आने वाला है, और भैया प्राइवेटाइजेशन को लेके काफी चीजें चल रही है। थोड़ा सोचो समझो, एफर्ट डालने हैं नहीं डालने हैं उसके लिए भी सोचो। वीडियो सही लगे तो लाइक कर दो, नहीं लगे अनसब्सक्राइब। सिंपल फंडा। बाकी मिलते हैं, तब तक लीजिए श्री राम, राम राम।